हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ HSIF शॉर्ट्स के एपिसोड नंबर 16 में। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सी चीज बताने वाला हूँ जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। गाइस, ब्रश तो हर कोई करता है, दिन में दो बार ब्रश करते हैं, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले। तो गाइस, ब्रश करना तो हर कोई करता ही है ऑब्वियसली, लेकिन सही तरीके से ब्रश कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा फनी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद ही आप इसके बारे में पहले जानते होंगे। तो गाइस, ब्रश करने का तरीका क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, एक मिनट में ब्रश कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर दो मिनट तक भी कोई इंसान ब्रश करता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार मैंने ब्रश कर लिया, दो मिनट तक मीन्स एक डेढ़ मिनट तक ब्रश करता है कोई इंसान, उसको ऐसा लगता है कि दो मिनट तक मैंने ब्रश किया है। लेकिन ब्रश करने का सही तरीका जो होता है, सही टाइम जो होता है, सही तरीका नहीं बल्कि सही टाइम ये होता है कि कम से कम किसी भी इंसान को दो मिनट तक ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होती है ना, जो टूथपेस्ट होती है उसको यूज होने में कम से कम पूरे दो मिनट का समय लगता है। जब हम उसको जो है यूज करते हैं ब्रश के ऊपर लगाकर, अगर हम जो करते हैं ब्रश, तो उसको कम से कम लगभग दो मिनट लग जाते हैं दांतों में जो है यूज होने के अंदर अंदर। एंड गाइस, दो मिनट तक जो है कम से कम ब्रश जरूर करना चाहिए और हो सके तो उससे ज्यादा ही करना चाहिए, जल्दी जल्दी से पटक थक से अगर ब्रश करके आप जब छोड़ जाते हो ना तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो आप ब्रश ही ना करो, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, उससे कोई भी एडवांटेज आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एंड सेकेंडली बात करें, जो टूथ ब्रश होता है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। एक्सपायरी डेट मीन्स जो टूथ ब्रश के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। नॉर्मली हर एक चीज ऊपर हम लोग देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर लाते हैं ना, तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है पेपर में कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और जो पैकेजिंग डेट ये है और जो एक्सपायरी डेट है वो ये है, या फिर बेस्ट बिफोर 9 months या 12 months। लेकिन जो है टूथब्रश के पैकेट के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता है। एंड सेकेंडली बात करें इस चीज के ऊपर, तो टूथब्रश की जो रियल एक्सपायरी डेट है वो क्या है, तो रियल एक्सपायरी डेट टूथब्रश की ये है कि मैक्सिमम अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा तेज तेज ब्रश करता है तो वो लगभग 2 महीने तक ही अपने ब्रश को यूज करे, 2 महीने के बाद अपने ब्रश को जो है वो चेंज कर ले। एंड अगर कोई इंसान धीरे धीरे से ब्रश करता है, बहुत ही स्लोली, तो वो इंसान कम से कम 3 महीने तक अपना ब्रश यूज कर सकता है। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद आपको अपना ब्रश चेंज जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2-3 महीने से तक ब्रश चेंज नहीं करते हो, लगभग कुछ लोग क्या करते हैं कि 6-6 महीने तक, कुछ लोग तो साल तक जो है एक ही ब्रश को यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ब्रश जो होता है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट पर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और ब्रश भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सही से यूज कैसे करना है और उसको कैसे चेंज करना है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया जाए। गाइस, ब्रश करें कम से कम 2 मिनट तक और 2-3 महीनों के बाद अपना ब्रश चेंज जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज नीचे लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।